Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss a new unit thermodynamics. बेटा thermodynamics हमारी जो unit है इसके अंदर हम discuss करेंगे, नया point आएगा जिसमें हम temperature और heat से related चीजें discuss करेंगे. तो this is the branch in which we deal with the heat and temperature and interconversion of heat and other forms of energy. एक form से दूसरे form में हम किस तरह से interconvert कर सकते हैं, इस ब्रांच के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. अब हमारे उसके लिए सबसे पहली चीज आती है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है बेटा, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि जब किसी सिस्टम के अंदर, जब किसी एक पूरे असेंबली के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, दैट हैज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट हैज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो उस पूरी असेंबली को हम क्या बोलेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे. हमारा जो सिस्टम होता है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है और इसकी स्टेट्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. लाइक आप यूं कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, आपका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा सराउंडिंग. तो सराउंडिंग क्या होता है बच्चों, जो भी चीज आपने सिस्टम में ले ली है, जो भी असेंबली आपने सिस्टम में ले ली है, उसके अलावा आपका जो आउटसाइड का एटमोस्फियर बच गया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटो, सराउंडिंग बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर एक्जिस्टिंग. सो वी कैन डिफाइन थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग कैन हैपन, जिसमें आप एनर्जी और मैटर दोनों चीजों का एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा क्लोज सिस्टम, इन विच ओनली एनर्जी हो सकती है. क्लोज है तो आपका मैटर नहीं होगा, एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो सकती है. थर्ड है आपका आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा बेटा, जिसके अंदर आपकी एनर्जी और मैटर दोनों ही चीजें अगर आप एक्सचेंज नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं. जैसे कि आपका थर्मल फ्लास्क, आपकी बोतल. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है. इससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था बेटा, जब किसी भी दो सिस्टम के टेम्परेचर अगर सेम हो जाते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारे जो ये सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंडर है. टेम्परेचर सेम कब होता है बेटा, जब भी हम दो को कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो टेम्परेचर हमारा हीट का जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर की तरफ होता है. तो जब आपका हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है लेकिन एक स्टेट के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है तो उस स्टेट में हम कहते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अटेन हो गई है. अब हमारी बात आती है कि इक्विलिब्रियम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. इक्विलिब्रियम हमारा डिपेंड करता है बेटा, जो भी सिस्टम हमने लिया है उसके सराउंडिंग में क्या है और उस सिस्टम को हमने सराउंडिंग से किस तरह की वॉल्स के थ्रू सेपरेट किया हुआ है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में और दोनों जो ए और बी सिस्टम लिया है इनके बीच में हमने एडियाबेटिक वॉल ली है. एडियाबेटिक वॉल क्या होती है बेटा, जिसके अंदर एनर्जी और हीट का फ्लो नहीं होता है. अब हमने क्या किया इस केस में, यहाँ पर सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने जो दोनों सिस्टम है इनके बीच में एडियाबेटिक वॉल को रिप्लेस कर दिया है डायाथर्मिक वॉल से, लेकिन दोनों ही सिस्टम को हमने सराउंडिंग के साथ में एडियाबेटिक से ही रखा है. तो सराउंडिंग के साथ में ये कोई हीट का फ्लो नहीं करेगा. डायाथर्मिक वॉल क्या होती है बच्चों, जो कि आपकी हीट और एनर्जी के फ्लो को अलाउ करती है. तो ए और बी के बीच में क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. उस केस के बाद आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, इन दैट केस यू कैन से द बोथ द सिस्टम्स आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, इस चैप्टर में हम तीन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे, हमारे पास कोई भी दो सिस्टम है, आप डायग्राम में देखिए ए और बी सिस्टम है, ए और बी सिस्टम को हमने किस तरह की वॉल से सेपरेट किया हुआ है बेटा,
एडियाबेटिक वॉल से किया है। एडियाबेटिक वॉल में अभी अभी मैंने आपको बताया कि हीट और एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, इट मीन्स कि ए से बी के बीच में हीट फ्लो नहीं होगा, लेकिन हमने दोनों ही सिस्टम को एक कॉमन सिस्टम से ज्वाइन किया है, दैट इज सी। ए और सी के बीच में, या फिर हम बात करें बी और सी के बीच में, हमने किस तरह की वॉल ली है बेटा? डायाथर्मिक वॉल ली है। डायाथर्मिक वॉल में हमारा टेम्परेचर का फ्लो हो सकता है, हीट का फ्लो हो सकता है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम टेम्परेचर ऑफ ए विल बिकम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी विल बिकम टेम्परेचर ऑफ सी। इट मीन्स कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, बी का भी सी के इक्वल होगा, तो आप इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं मैथ से कि ए और बी का भी कैसा होगा बेटा, सेम टेम्परेचर के ऊपर लाई करेंगी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ए और बी जिनके बीच में आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, वो दोनों भी आपके कैसे होंगे बेटा, थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहेंगे। तो यही हमारा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा कुछ टर्म्स जो कि हमारे इस चैप्टर में काम आएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या है और वर्क क्या है। तो हीट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है, आज हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो बेटा जब भी आप किसी सिस्टम को टेम्परेचर दोगे तो उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे वेलोसिटी की वजह से किस टाइप की एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोजीशन में चेंज होगा, वेलोसिटी होगी तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जाएंगे, उसमें किस टाइप की एनर्जी आएगी, उसमें आपके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बेटा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, एंड दैट विल बी इक्वल टू यूके प्लस यूपी। यूके इज काइनेटिक एनर्जी, यूपी इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा आइडियल गैस के केस में। आइडियल गैस में हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता है। अगर कोई मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इट मींस कि आइडियल गैस के केस में आपका यूपी जीरो हो जाएगा, तो यू इज इक्वल टू यूके आपका बन जाएगा। आइडियल गैस के केस में आपकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो प्रैक्टिकली हम डील करते हैं बेटा दैट इज फॉर रियल गैस। तो रियल गैस के केस में आप क्या बोलोगे, हमारे म्यूचुअल फोर्स एग्जिस्ट करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि उस फोर्स के लिए हमें अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन। फोर्स होगा तो पार्टिकल इधर से उधर मूव करेंगे, उनकी डिस्टेंस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना बेटा पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो रियल गैस के केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पिक्चर में आता है। सो इस केस में आप कह सकते हो कि यू विल बी इक्वल टू यू के प्लस यूपी। इट मींस कि आपका रियल गैस के केस में आपकी दोनों टाइप्स की एनर्जी का सम होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी होती है ये हमारी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल से फाइनल पे जाके आपने किस पाथ के थ्रू गए हैं। तो इंटरनल एनर्जी हमारी पाथ इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चों हीट का कॉन्सेप्ट। हीट हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, क्या था, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट और यू कैन से सराउंडिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट की यूनिट हमने क्या देखी थी बेटा, जूल होती है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारा सिंबल क्या आएगा, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी इज बेसिकली द टेम्परेचर डिफरेंस। इफ यू विल टेक टी आई एज इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ एज फाइनल टेम्परेचर, देन यू कैन से S इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मैटर। ये चीजें हमने, स्पेसिफिक हीट क्या होती है लास्ट चैप्टर में भी देखा है, अभी भी हम आगे के टॉपिक में स्पेसिफिक हीट को देखेंगे। जो हमारी हीट होती है बेटा वो डिपेंड करती है मास, नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर चेंज के अंदर। तो आज हमने देखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी और हीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा वर्क डन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आज की चीजें आपको क्लियर हुई। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।